नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगे। और आज हम दोस्तों जानने वाले हैं कि रीट की तैयारी के लिए आप कितनी बेहतर तैयारी कर रहे हो और इनके रीट की तैयारी में एनसीईआरटी या आरबीसी की बुक का क्या अहम रोल रहता है, क्या ये हमें पढ़नी चाहिए या नहीं, अगर पढ़नी चाहिए तो क्या हमें बेनिफिट होगा इसका या नहीं होगा। तो सारी बातें इसमें जानने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। रीट के जितने भी विद्यार्थी उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और अंतिम समय में आप इसका फायदा दोस्तों उठा सकते हैं, क्योंकि 3 महीने हैं, 3 महीनों में दोस्तों बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले, तो शेयर मार दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इसी तरीके के अपडेट लेके आता रहता हूं। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा जब बोर्ड ने सिलेबस जारी किया तो उसमें स्पष्ट रूप से मेरे पास सिलेबस भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे ये देखो मेरे पास सिलेबस है। चलो बता देता हूँ, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एक चीज़ कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड 6ठी से 8वीं तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक स्तर 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, ठीक है। फिर लेकिन प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो 12वीं के लेवल का होगा। तो यानी कहीं ना कहीं इस बात में बहुत ज़्यादा गहराई है। हम अक्सर क्या करते हैं कि कोई भी भर्ती आ जाए, जैसे रीट की आ गई है, तो हम तुरंत पहुँचेंगे एक बुक स्टोर के पास, वहाँ से हम कोई गाइड खरीद लेंगे या कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद लेंगे। हम खुद मेहनत नहीं करेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक परचेज करनी है, पूरी खोज खबर हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, मार्केट में गए कि भाई बढ़िया बुक कौन सी है रीट की है। लगभग ऐसा ही होता है, जाते हैं कि भाई बढ़िया बुक कौन सी आई मार्केट में, या जिसका प्रचलन ज़्यादा है, वीडियो में किसी ने बता दिया कि ये बेस्ट बुक है ये पढ़ लो, तो वो बुक आप लेके आ गए। लेकिन आपने खुद ने सर्च नहीं किया कि ये बुक बढ़िया है या नहीं है, या हमें क्या पढ़नी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट और साफ तौर पर बता देता हूँ, आपकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। चाहे गाइड पढ़ो, चाहे वीडियो लेक्चर देखो, कुछ भी देखो, लेकिन आपको कम से कम 1 से 2 बार एनसीईआरटी पर आधारित 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबें, और अगर आपके पास आरबीसी एनसीईआरटी दोनों है तो दोनों पढ़िएगा, दोनों में से एक आपके पास है तो आप पढ़िएगा, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप पिछले कितने भी पेपर उठा के देख लेना, आप पिछले रीट के जितने भी पेपर हुए हैं आप उठा के देख लीजिएगा, 6ठी से 10वीं तक की जितनी बुक्स है, पेपर दोस्तों ऑलमोस्ट 90% से ऊपर पेपर है इन्हीं बुक से दोस्तों आया हुआ है। बात बिल्कुल सच है और मैंने इस बात पर बहुत ज़्यादा सर्च किया है, खुद ने मैंने सभी पेपर्स को मिलाकर देखा, एक एक प्रश्न को मिलाकर देखा है, और वहीं से दोस्तों पेपर बन के आया है, बोर्ड वहीं से बनाएगा। अब की बार जो पेपर आएगा आपको इन्हीं बुक से देखने को मिलेगा। अब आप ये कहोगे कि पीछे हर चैप्टर के पीछे प्रश्न होते हैं, आपने वो देख लिए होंगे वहाँ से, नहीं देखो, जब एनसीईआरटी या आरबीसी आपको बुक पढ़नी है ना, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। जैसे स्कूल में एक टीचर क्लास में पढ़ाता है पूरा चैप्टर, उसको समझाता है, वैसे ही दोस्तों पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें आपको बोरियत महसूस होगी, आप परेशान होगी, यार पूरा चैप्टर कैसे पढ़े, कैसे, मेहनत तो लगेगी, लेकिन मेहनत एक बार लगेगी और उसका फायदा आपको जीवन भर मिलेगा। यानी आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप जीवन भर फायदा ले रहे हो, उन बुक से सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी दोस्तों है। ऑनलाइन भी आपको बुक्स मिल जाएंगी, वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि मेहनत ना करें, बिना मेहनत के हमें परिणाम चाहिए, तो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अगर आप खोजबीन करिए बुक्स निकाल लेते हो, या ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी, ऑनलाइन निकाल कर पीडीएफ इसकी आप प्रिंट भी दोस्तों निकाल सकते हो। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों कमियां रह जाती है, सही चीज़ तक दोस्तों हम नहीं पहुंच पाते। हम हमेशा गाइड पढ़ते आ रहे हैं, वीडियो लेक्चर पढ़ते आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी हमने लगाई थी, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, आखिर कहाँ कमी कहाँ रह रही है? तो कहीं ना कहीं जो कमी है उसको भी पूरा कर लिया जाए, जो वहम है मन का वो भी पूरा कर लिया जाए। तो एनसीईआरटी और आरबीसी दोनों बुक्स आपके पास दोनों है तो बहुत बढ़िया है, दोनों में से एक है तो बहुत ज़्यादा फायदा दोस्तों होगा। इनको आपको गहराई से पढ़ना होगा, प्रश्न चैप्टर के अंदर छिपे हुए होते हैं। अब आपके मन में ये बात आएगी कि सर आपने बोल दिया ठीक है कि जीके मिल जाएगा, साइंस मैथ हिंदी सब मिल जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी तो नहीं मिलेगी, बाल विकास तो नहीं मिलेगा अपने को 10वीं तक। जी बिल्कुल, बाल विकास नहीं 10वीं तक, लेकिन बाल विकास के लिए दोस्तों आरबीसी की बुक आती है। अगर आप वो बुक्स ले आते हो मार्केट से वो तो आपको मिल जाएगी, अगर वो ले आते हो तो पेपर आप देख लीजिएगा, जब साइकोलॉजी का पेपर आता है तो वहीं से ही आपको लगभग देखने को मिलेगा। यानी आपको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे वहां पर, 3 महीने काफी ज्यादा होते हैं, बड़े से बड़ा एग्जाम भी दोस्तों आप क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग बढ़िया होनी चाहिए। तो मेरी बातों को आप समझे होंगे, यानी बोर्ड एक चीज आप नोट करना
कि जब बोर्ड वाला पेपर बनाएगा, एक बात आप समझे कि यहाँ पर सिलेबस के अंदर ये बोला कि जो छठी से आठवीं तक बोला इसमें, लेकिन छठी से दसवीं तक जितनी बुक्स हैं, तो वो पेपर जो बनाएगा एग्जामिनर, वो मैं तो मार्केट से गाइड लेके आएगा कि उस गाइड से पेपर बनाए, वो अपने बोर्ड की बुक्स ही उठाएगा सबसे पहले, क्योंकि सारे टॉपिक्स वहीं पे है। एक बात आप नोट कर लेना कि जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में है ना, वो सारे के सारे टॉपिक्स है, साइंस का ची मैथ का, बिल्कुल सेम टू सेम वही भाषा, वही टॉपिक का नाम सेम टू उन चैप्टर के नाम है। आप चैप्टर देख लीजिए, बिल्कुल वही की वही नेम दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। यानी सिलेबस उन बुक से बनाया है, तो इसका मतलब पेपर भी उन बुक से ही दोस्तों बनेगा। अगर फाइनली आपको सिलेक्शन चाहिए, तो बाकी चीजें तो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप नोट्स खरीद रहे हो, आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, आपने गाइड पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ में एनसीईआरटी या आरबीसी की कोई सी भी बुक आपके पास है, तो इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत ही गहराई में दोस्तों चीज छिपी हुई है। अगर ये बुक्स आप दो बार पढ़ लेते हो और अच्छे से मतलब गहनता से इसका अध्ययन कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन रेट में दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जिनसे बात हुई, जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनके पास कोई गाइड नहीं थी। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने एक ही बात बोली कि सर हमारे पास पुरानी एनसीईआरटी आरबीसी की बुक्स पढ़ी थी, हमने सिर्फ उनको ही पढ़ा था, बाकी एक दो वीडियो लेक्चर देख ली थी, इतना ही किया था, लेकिन मैक्सिमम जो एफर्ट डाला था वो बुक्स पे था और हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप इनको भी रीड कर लेते हो। बाकी आपकी मर्जी, करो या ना करो, मैंने आपको सुझाव दिया है क्योंकि इसके रिलेटेड काफी सारे कमेंट आए हुए थे कि सर रीट के अंदर क्या नया किया जाए। तो भैया ये नया आपको करना होगा, कोई बच्चा नहीं कर रहा है। मुझे पता है सब गाइड लेके आए, सब मॉडल पेपर देख रहे हैं, सब ने वीडियो कोर्स ले रखे हैं, लेकिन बुक्स को नहीं पढ़ते क्योंकि बुक्स में जोर आता है आपको पढ़ने में, थ्योरी पढ़ने में जोर आता है, क्वेश्चन निकालने में। आपको पक्की पकाई रोटी चाहिए, पकी पकाई रोटी चाहिए, तो पकी पकाई रोटी दोस्तों फिर वही बात हो गई है, खुद मेहनत करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता तो वैसे भी मिल जाएगी अगर आप मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी एक रास्ता आपका आसान हो जाता है। फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज देने का मौका नहीं रहेगा दोस्तों। तो सिलेक्शन पक्का करना है तो सभी चीजें कवर करनी है, तो इन बुक्स को मत छोड़िएगा। जैसे भी मार्केट में मिलती है, आपको पीडीएफ है, ऑनलाइन है, मेरी बातें आप समझ पाए होंगे। कोई भी डाउट इसके रिलेटेड आपको पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।